Pleasure, everyone. I'm Mam Malik, international motivational speaker, business research analyst, and you're on Business Coach. I hope everyone is good today. All right, guys. आज का मेरा वीडियो स्टूडेंट्स के लिए है जो अंडर ग्रेजुएट हैं या मैट्रिकुलेशन में हैं, ए लेवल ओ लेवल हैं. देखो बच्चों, आप लोग अपनी पढ़ाई ज़रूर साथ करो, ठीक है, लेकिन अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी फ्री लांसिंग भी आप ज़रूर करें, अपने अंदर स्किल्स भी डेवलप करें. बाय द टाइम आप जब 4 से 5 साल में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके निकलेंगे तो आपके हाथ में कुछ स्किल भी होना चाहिए. इसलिए आज मैं आप लोगों को, ठीक है, टॉप 5 to 6 स्ट्रेटजीज बताने जा रहा हूँ फॉर फ्री लांसिंग, कि वो कैसे आप करें ताकि आपकी एजुकेशन डिग्री के साथ साथ यू शुड बी एन इंडिपेंडेंट अर्निंग पर्सन. ठीक है, देखिए सबसे पहले नंबर स्ट्रेटजी नंबर 1, आपको यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज़ योर पैशन. आपका शौक क्या है, आप आखिर आप करना क्या चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में दिल किस चीज़ पर लगता है, सबसे पहले उसको तलाश करें. ठीक है, आपका गोल जो भी हमने सेट करना है वो आपके पैशन से जुड़ा होना चाहिए, उसको जानना ज़रूरी है, उसको पहचानना ज़रूरी है. ठीक है, स्ट्रेटजी नंबर 2, अब आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपकी की स्ट्रेंथ क्या है, आपके पैशन से जो रेलेवेंट हो. की स्ट्रेंथ आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, आप पेपर पे लिखें कि टॉप 3 जो डेली आप टास्क करते हो अपने पैशन से रेलेवेंट, वो लिखें. ठीक है, क्योंकि वही असल आपको हेल्प करेगा टू आइडेंटिफाई योर की स्ट्रेंथ फॉर द स्किल्स यू हैव फॉर योर ओन पैशन. ठीक है, स्ट्रेटजी नंबर 3, नाउ इट्स टाइम टू आइडेंटिफाई योर अचीवमेंट एज पर योर पैशन एज पर योर की स्ट्रेंथ. अच्छा, अब अचीवमेंट आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मैं आपको इसकी 2 मिसालें देता हूँ. अगर कोई लड़का है, उसको गाड़ियों का बहुत शौक है, वो गाड़ी की उसने मेंटेनेंस वर्क बहुत अच्छा करा है, तो सारे बहुत तारीफ़ करेंगे उसकी. इस तरह का कोई लड़की है, उसका मेकअप वो करती है, उसको मेकअप का बहुत शौक है, लोग उसका मेकअप बहुत पसंद करते हैं. ठीक है, तो वो उसकी स्किल है, की स्ट्रेंथ वही है, अचीवमेंट भी वही है, पैशन भी वही है. ठीक है, तो ये तीनों चीज़ों से गुज़र के हमने इन तीनों दोनों लड़का और लड़की की पैशन, की स्ट्रेंथ, राइट, एंड द अचीवमेंट आइडेंटिफाई कर लिया. अब टाइम है स्पेशलाइजेशन का. ठीक है, जो स्पेशलाइजेशन होती है वही रेपुटेशन को हाइटन करती है, आप कह सकते हैं. डू यू नो रेपुटेशन इज़ द न्यू करेंसी इन द मार्केट नाउ. अब आप जो चीज़ आपका पैशन है, जो आपका शौक है, जिसमें आपने अपनी डे टू डे लाइफ में टास्क भी है, रेपुटेशन भी गेन की है, अचीवमेंट्स भी गेन किए, उसी में ही अब स्पेशलाइजेशन करना शुरू कर दें. वो आपका कुछ भी हो सकता है. ठीक है, अब मैंने तो एक मिसाल दी. अब आजकल फ्री लांसिंग में डिजिटलाइज का दौर है, आपको बुक राइटिंग आता है, स्क्रिप्ट राइटिंग आता है, ऐप डेवलपमेंट आता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग आता है, आप सोशल क्या कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं. एनी स्किल यू हैव, एनी स्किल यू हैव, यू मस्ट डेवलप. साथ साथ फ्री लांसिंग पोर्टफोलियो आपका बनता रहेगा. स्ट्रेटजी नंबर 5, इट्स टाइम टू आइडेंटिफाई योर पर्सनल ट्रेड्स. देखिए, पर्सनल ट्रेड्स आपने आइडेंटिफाई कैसे करना है, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आप प्रॉब्लम सॉल्वर अच्छे हैं, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, ठीक है, या आपके अंदर मार्केटिंग क्वालिटी है, या आपके अंदर कन्विंसिंग क्वालिटी है, ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा. क्योंकि देखिए, ऊपर जो हमने डिस्कस की है आपकी जो भी रेलिवेंट फील्ड है, अब ये भी अपनी पर्सनल ट्रेड आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि सिर्फ स्किल्स ऑन तो नहीं करनी, हमने बिजनेस भी लेना है मार्केट से थ्रू फ्री लांसिंग, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं. ठीक है, आप अपने अंदर का पर्सनल ट्रेड आइडेंटिफाई करें और उस हिसाब से मूव ऑन करें. ठीक है, फिर उसके बाद देर विल बी नो प्रॉब्लम फॉर यू. और फिर स्ट्रेटजी नंबर 6, आप अपना एक डिजिटल पोर्टफोलियो बनाएं. ठीक है, अगर आप फ्री लांसिंग कर रहे हैं, एक अपना अच्छा वेब पेज बनाएं. ठीक है, अपनी सोशल मीडिया एग्जिस्टेंस हर जगह पर रखें, फेसबुक पर रखें, इंस्टा पर रखें, लिंक्डइन पर रखें, ट्विटर पर रखें, वेर एवर यू थे, यूट्यूब पर लाजमी रखें. ठीक है, अपनी सोशल एग्जिस्टेंस रखें. उसका आपको बेनिफिट क्या होगा, जब आपका वेब पेज तैयार है, आपकी सोशल एग्जिस्टेंस तैयार है,
ब्यूटीफुल अपीयरेंस बनाई है अपनी, जो टॉप नॉच स्किल्स हैं जैसे मैंने आपको पॉइंट्स बताए वो सारे वहाँ पे मेंशन कीजिए, ठीक है, एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। अब आप देखें जब ग्रेजुएशन ईयर वन में आप आते हैं और आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर देते हैं ऐसे, तो चार साल में आप जब डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, फाइवर है, लिंक्डइन है, इस तरह के बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे अगर आप स्टडी के साथ ईयर वन से स्टार्ट करेंगे तो बाय द एंड ऑफ फोर्थ ईयर आप लोगों में बता नहीं सकता कि आपकी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ चली जाएगी इन टर्म्स ऑफ डिजिटलाइज पोर्टफोलियो, ठीक है। और अपने आप को मार्केट करें, अपने जो सोशल मीडिया एग्जिस्टेंस हैं, जो भी आपके पोर्टफोलियोज़ हैं, अपने तमाम यूनिवर्सिटी फेलोज़ के साथ शेयर करें, अपने सोशल सर्कल में शेयर करें, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, वीकली बेसिस पे मार्केटिंग करें अपनी, और अपनी स्किल्स को साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएं, ठीक है। और क्या होगा जब आप एजुकेशन के साथ कंप्लीशन ग्रेजुएशन करते ही जब निकलेंगे तो उस टाइम आप $2,000 से $5,000 तक की ईजिली अर्निंग कर रहे होंगे, तो क्या कमाल होगा कि यार मेरी एजुकेशन भी कंप्लीट हो गई, नाउ आई एम अर्निंग हैंड मेकिंग US dollars इन बाय सिटिंग इन पाकिस्तान। और ये सब जब ही मुमकिन है जब आप लोगों के हाथ में कोई स्पेशल स्किल होगी, वो आपने आइडेंटिफाई करनी है। तो मैंने आपको आज जो स्ट्रेटजीज ली हैं, ठीक है, उस पर वर्किंग करें, साथ फ्रीलांसिंग भी करें, ठीक है, जो भी आपकी स्पेशलिटी है उसको फाइंड आउट करें, वो मैंने आपको तरीका बता दिया। स्टिल आप लोगों को किसी किस्म की कोई हेल्प चाहिए तो स्टूडेंट्स के लिए मैं फ्री कंसल्टेंसी देता हूँ, वॉलंटियर उनको गाइडेंस देता हूँ मैं पर्सनली 1-to-1 सेशन के अंदर, आप लोग मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं, आई कैन हेल्प यू गाइज विद इट विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ चार्जेस, इट्स अ टोटली कम्प्लीटली वॉलंटियर सर्विसेज फॉर ऑल माई पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, रिमेंबर माई वर्ड, थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को उन तमाम स्टूडेंट्स को ज़रूर शेयर कीजिए जो हो सकता है कि किसी मेरी वीडियो सुनने के बाद वो फ्री लांसिंग साइट पर आएँ और वो भी चार पैसे बनाना शुरू कर दें। थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी गुड वीकेंड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।